प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एप। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, उनके बयान से पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्दी भारत पीओके को वापस ले लेगा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी जनता का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया, वो कहते हैं कि हम पीओके को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री इज कमिटेड टू एंश्योर पीओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रिटर्न्स टू इंडिया। This actually is our national commitment. इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, और इतने सालों से हम लोग, ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं था। कश्मीर को लेकर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान जो है, अगर हम इकोनॉमिक फोरम पे बात करते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर है, अमली तौर पर कुछ नहीं है। नहीं, क्या मुजाहिदीन जो है वो मरते हैं, या मुजाहिदीन जो है वो कश्मीर, वो कश्मीरियों को टारगेट क्लिंग करते हैं, या जो मर्जी करते हैं, हमें से कोई गरज नहीं है। इसकी के ऊपर कारगिल की जंग हुई तो कारगिल से भी उस पर कश्मीर के लिए फतहमंदी हो सकती थी। किया क्या, वही है ना कि हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्यूपाइड कर रहे थे, कि वो कहते हैं कि अब हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं, ठीक हो गया। तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल रियासत। सर आप प्रिंसिपल हैं, जैसे ये बता रहे हैं स्कूल के, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं बच्चों को कश्मीर के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, बच्चों को पहले तालीम सिखाई जाती है, ये बातें जो बच्चे ये चीजें सीख लेते हैं ये सेकेंडरी बातें आती हैं। कश्मीर वगैरह पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान तो ठीक से बन जाए तो फिर उसके बाद कश्मीर भी बन जाएगा। वो लोग कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम लोग कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं तो इस, मेरी राय अगर मेरी राय ली जाए, मैं तो इस पे हूँ कि कश्मीर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर बनाया जाए। मेन इंटरेस्ट चाइना का, चाइना जितना हमारा साथ दे सकता कश्मीर को मर्ज करने में और कोई नहीं दे सकता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर के शंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री इज कमिटेड टू एंश्योर पीओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रिटर्न्स टू इंडिया। This actually is our national commitment. और साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजिंग ला सकते हैं या हटा सकते हैं, हमने वो करके दिखाया, अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान साइड से क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए या पाकिस्तान के लोग इसको लेके क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने कंट्रीज हैं जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान स्टांस के साथ खड़े हैं, और कितने कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कंट्रीज। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली भट्ट। और आपका नाम? फहद। क्या करते हैं भाई? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये बताएं बाइक बड़ी खूबसूरत है, कितने की है ये? ये मेरी बाइक है। कोई है, कौन सी है ये भी बताइए। ये YBR है 125G। ठीक है, और कितने की है ये? भी सेकंड हैंड ली है मैंने, 2.5 तक की है, 2.5 लाख। 2.5 लाख की सेकंड हैंड। और नई कितने की है? नहीं, ये 5 की है। 5 लाख की, क्या बात है। जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, ये बताइएगा कि आपके वहाँ पे YBR 125cc इसकी क्या कीमत है, ये जरूर बताइएगा। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, 5 लाख की बाइक, 5 लाख में तो कोई गाड़ी आ जानी चाहिए। गाड़ी आ जाती है, लेकिन ये है कि अब मोनोपोली है, ये कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर रही प्राइसेस पे। और ये मेड इन पाकिस्तान तो नहीं होगी? मेड इन पाकिस्तान नहीं, असेंबल बाइक्स पाकिस्तान नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि कश्मीर के अगर स्टांस की बात की जाए, आपने भी स्कूल में, कॉलेज में और अगर यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे सुना होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे भी लगाए होंगे, बड़ा मोहब्बत है कश्मीर से। हम कश्मीर को लेके या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानियों की आवाज या पाकिस्तानियों के स्टांस को कितना माना जा रहा है और इंडियंस के स्टांस को कितना माना जा रहा है? मेरे ख्याल से तो ऑफकोर्स इंडियन के इंसान से उतना अच्छा माना जा रहा है जितना पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पॉलिटिकल पॉलिटिशियन ऐसी टेंशन है कि जिसको आगे नहीं ले जा पा रही। सबसे मेन मसला तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और भी गवर्नमेंट 5 साल तक एक मुकर्रर महदूद अपनी पूरी नहीं कर पा रही मुद्दत, तो फिर वो एक कैसे एक रिदम ही नहीं कंटिन्यू रहती जिसको आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरी बात ये कि इंडिया का तो हमारा वो नहीं ना बनता एक टकराव, जो उनका स्टांस है और जो हमारा एक स्टांस है,
हम उन पे मैच तो नहीं ना कर सकते। मैच तो डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं यानी कि हमें बताया जाता है कि भाई इंडिया साइड जो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्यूपाइड है, वो सेम वैसे ही कहते हैं कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई वो आर्टिकल 370 हटा के हमने वो वाला तो बिल्कुल क्लियर है, अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर लेंगे जल्द लेंगे। दरअसल अब वही है ना कि हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्यूपाइड कह रहे थे, वो कहते हैं कि अब हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं, ठीक हो गया। तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल रियासत यानी पाकिस्तान से भी वो करते हैं और उधर से भी उधर भी कर दिया जाए, उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है उनको, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज डेवलपमेंट, लेट्स सपोज एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या लगता है हम लोग उस तरीके से राइट्स पूरे उन्हें उनके हक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर पाकिस्तान के मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को मोहब्बत है कश्मीर से, क्या वो मोहब्बत नजर आती है? ये आप अपनी ओपिनियन बताइए। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं कश्मीर से दो दफा होकर आया हूँ, लेकिन उनके लोगों का जो आप देखे ना मुकामी लेवल पर जो सिचुएशन है वो यही ग्राउंड रियलिटी है कि वो कुछ चाहते हैं कि हमें इतना एक न्यूट्रल अलग कर दिया जाए, न्यूट्रल रियासत दीजिए, वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहते, पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात नहीं है, हम मुकामी लोगों को वो नहीं मिल रहे राइट्स जो हमें चाहिए, एजुकेशन नहीं मिल रही, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, बाकी हम फिर क्या कह सकते हैं उनको क्या मिलेगा? तो मेरे ख्याल से ठीक है, और हाँ क्या अपने पांव पे पाकिस्तान खुद को खड़ा नहीं हुआ, तो और हम दूसरों को बेसिक राइट कब से देना शुरू? अभी अभी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बताता चलूं और जो लोग खड़े हैं उन्हें भी बताता चलूं कि इस टाइम पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगी है, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो उनसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से बाहर है, तो क्या कहना चाहेंगे हम यहाँ पे एजुकेशन नहीं पूरी दे पा रहे कैसे? मैं समझता हूँ कि तालीम जो है ना इंसान का इतनी जरूरी है जितनी आपकी सेहत जरूरी है, जितना आपका रहना जरूरी है, ठीक है। तालीम के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते ना किसी इंसान को, एक मजदूर इंसान और एक जो है ना अनएजुकेटेड इंसान में कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो एक तालीम जो है किसी भी बच्चे का एक बुनियादी हक है, बाकी मेरे से बेहतर ये बता सकते हैं भाई ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा जबरदस्त हो गया, जरूर इनसे बात करेंगे। अच्छा मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सबसे बेसिक राइट तो यही है कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन एजुकेशन भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। सर आप प्रिंसिपल हैं जैसे ये बता रहे हैं स्कूल के, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं बच्चों को कश्मीर के बारे में क्या बताते हैं स्कूल में आप या आपके टीचर? कश्मीर के बारे में तो क्या सिखाना है पहले बच्चों को, बेसिकली पाकिस्तानी होने के नाते जो उनके फराइज है वो तो हमने सिखाने ही है, ठीक है। तो ये तो बात की बातें आती हैं कि कश्मीर के बारे में सुबह सुबह असेंबली में खड़े होकर कश्मीर के नारे, कश्मीर के नारे लगाना और ये चीजें करना तो बात की बात है ना, पहले बच्चों को अदब सिखाया जाता है, बच्चों को पहले तालीम सिखाई जाती है, ये बातें जो बच्चे ये चीजें सीख लेते हैं ये सेकेंडरी बातें आती हैं। कश्मीर वगैरह पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान तो ठीक से बन जाए तो फिर उसके बाद कश्मीर भी बन जाएगा। पहले अपने आप को करें, उन लोगों का यही राइट है कि उन लोगों को बिल्कुल ही जैसे भाई ने बात की है तो उन लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, वो लोग इस काबिल आएंगे जिस तरह मशरकी पाकिस्तान लादा होकर हमसे आगे निकल गया, तो मगरबी पाकिस्तान भी जो है कश्मीर भी हमसे आगे निकल जाएगा। और जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे के झगड़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा? लेकिन आप जैसे एजुकेटेड हैं आपको इस चीज का भी नॉलेज होगा कि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में जो बिजली आ रही है मोस्टली कहाँ से आ रही है, कहाँ से डैम कहाँ से मतलब बन के आ रही है? कश्मीर से, ठीक है। तो वहाँ पे कंटिन्यू कर दूं, ऐड कर दूं, बिजली जो बन के आ रही है ना डैम से, ये भी मेरे ख्याल से हमारा गलत पर्सपेक्टिव है, बिजली वहाँ से बन के आ रही है, कश्मीर से नहीं आ रही बिजली, बेसिकली कश्मीर से डैम से कितनी बनती होगी बिजली? नहीं सर, जिधर दरिया होंगे पानी उधर है, तो भी और बड़े सोर्सेज हैं बिजली बनाने के हम, लेकिन पाकिस्तान में सोर्स ज्यादा ये यूज हो रहा है, पाकिस्तान को सोर्स बिजली अब और भी बड़े ज्यादा सोर्सेज से बन रही है, जैसे कि हमारे पास एक मुआहिदा किया पाकिस्तान जिस तरह इतना यूनिट महंगा पड़ रहा है, कोयले से बन रही है जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ ना उसके ऊपर, एक हमने कंजप्शन पूरी करनी है, वो बिजली बना के दे रही है, बिजली की बेसिकली हमारे पास कमी नहीं है, ठीक है, ये तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है, कंज्यूमर नहीं है बिजली का, ये चीज है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन से कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम कश्मीर के मामले में खड़े नजर आ रहे हैं आपको? कोई इवन इस्लामिक कंट्रीज की भी अगर हम बात कर ले तो आप एक कोई दो कंट्रीज के यार ये तो ओपनली कहता है कि पाकिस्तान, मैं अगर आपको बताऊँ ना मेरे ख्याल से अगर आप देखें ना रस्मी तौर पर कहेंगे तो 5-10 नाम गिनवा देंगे आप, तुर्की का नाम गिनवा देंगे, ईरान रस्मी तौर पर पोलिटिकल कह सकते हैं, तो आईसी में कोई स्टेटमेंट Exactly. मेरे नहीं ख्याल है कोई ऐसा सच हमारे साथ कोई स्टांस ले रहा है, बेचारे फलस्तीनियों के साथ नहीं ले रहा जिनको जरूरत है, हमारे कश्मीर के साथ ये तो सेकेंडरी चीज है, जो फलस्तीन के साथ नहीं खड़े हो रहे उन्होंने हमारे साथ कहना है, लेकिन बाकी मैं समझता हूँ मेन इंटरेस्ट चाइना का है, चाइना जितना हमारा साथ दे सकता कश्मीर को मर्ज करने में और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये कि स्टांस और उन लोगों का काबिल कबूल होता है जो हुजूर होते हैं, जब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा तो इनके स्टांस की कौन सी अहमियत है? आप जितना मर्जी स्ट्राइक कर लें, आप लोग KFC का बायकॉट कर लें, आप लोग मैकडोनल्ड का बायकॉट कर लें, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, जब तक आप लोग अपने पांव में खुद खड़े नहीं होंगे। जब आप लोग मकरूज हैं
दूसरी कौमों के और आप जाके वहाँ पर कर्जे लेने हैं आपने, तो आपकी बात की अहमियत क्या उनकी नजर में? उसमें एक चीज ये भी है ना, अब वक्त ऐसा आ गया इंटरनेशनल लेवल पे सोशल मीडिया की वजह से या ओवरऑल इतनी अवेयरनेस आ चुकी है हर कंट्री को, तो फर्क पड़ा है। आप बताएं कितनी देर हो गई आपको सोशल मीडिया पर, स्ट्राइक चल रही है, एहतजाज चल रहा है, कुछ कमी आई है उनके? कुछ भी नहीं, सऊदीया तो कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शायद आपको खबर हो। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सिर्फ अपना जो यहाँ पे फायदा नजर आता है ना सऊदीयन को, वो वहीं पे घुस जाते हैं। जहाँ पे बिजनेस नजर आता है, जहाँ पे बिजनेस नजर आता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट उधर ही करनी है, ठीक है। उनको मुसलमान भाई होंगे, अपनी कोई फिक्र नहीं। लास्ट में ये बता दीजिएगा कि जैसे ये सर ने भी बोला, आपने भी बोला कि भाई जहाँ पे जिस कंट्री को फायदा नजर आता है वो वहाँ पे अपना जिधर बिजनेस नजर आता है वो करते हैं, तो ये चीज हमें क्यों नहीं समझ आती? मैं क्यों आपसे भी दुश्मनी लगा के बैठा हूँ, इनसे भी दुश्मनी लगा के बैठा हूँ, उससे भी दुश्मनी लगा के बैठा हूँ, चाइना को दोस्त बनाया, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि यार जिधर से पाकिस्तान को फायदा हो अपने रिलेशन बेहतर करें? पहली बात तो यह कि जैसे उन्होंने बात किया ना, जब तक हम अपने पाँव पे खुद नहीं ना खड़े होते, ठीक है, हम एक वो अपना मयार नहीं बना सकते, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, हमारी बात की तो कोई वक्त ही नहीं है ना। और अपने आप बात करें उस बात पे भी कायम रहे, एग्जैक्टली अपने आप को कह देना कि हम इस्लाम का किला या ये करते हैं वो करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक हम लोग देखें फिफ्थ जनरेशन में मेंटर हो चुके हैं, इस वक्त में पावरफुल इंसान वही है जिसके पास सबसे अच्छी इकोनॉमी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, ठीक है, जिसके पास यहाँ पे जो गरीब लोग है ना, वो एक जो हमारे पास एक सतह है ना, वो सतह गुर्बत से ऊपर आ चुका हुआ है, जिसने चाइना की मिसाल ले लें, जब यहाँ पर रहती है ऐसे लोग हैं, जब हुकूमत ही यहाँ पे स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल खुद ही हम आपस में स्टेबल नहीं है, हमारे अवामी सतह पर इतने आपस में है, देख लें कोई पटवारी कह रहा है, कोई यूथिया कह रहा है, जब इसी डिबेट में हम बड़े हुए हैं ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का कहने का, क्या हमारे कोई क्यों नहीं इतना सीरियस लेता? पहले आप नेशनल मसाइल हल कर ले, फिर इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं हम यहाँ पे आपस में पार्टीज, मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, एक दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा उसे चोर कह रहा है, और इवन अदारे भी बीच में। आप बात फलस्तीन की कर रहे हो, ठीक है, पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो, उसके बाद फलस्तीन की भी बात कर लो। हाँ अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा, जैसे आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, तो यहाँ पे ऐसे हुई बात की जैसे पता नहीं हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब उनके फॉरन मिनिस्टर ने ये बोला है की जल्द 5 साल 10 साल, या उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस, क्या ऐसा? बहरहाल इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, और इतने सालों से हम लोग ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं था, 65-71 वो बहुत पीछे रह गए, लेकिन 71 में जो वाकया हुआ हो गया है, वो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसमें आपस में क्लैशेस थे ना, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस हद तक कंट्रोल है, उस वक्त हद तक मजबूत है, वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है, किसी की हिम्मत नहीं है। आर्मी को जितना मर्जी बुरा कह लें वो लगा बात है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि कर सकती है दिफा। चले ये हर एक अपनी, अच्छा मुझे लास्ट में बताएं, बेहतरी की उम्मीद है यानी पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या इंटरनल सिचुएशन है, एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, ये बेहतर हो सकते हैं? इंटरनेशनल तो बाद में जाए, तो सर मैं कहता हूँ बेहतर हो सकते हैं, मेरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान आ जाए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 5 साल पूरे करके जाए अपने, मुझे डेमोक्रेसी के अलावा किसी चीज से कोई पाया नहीं है। मैं मुशर्रफ किसको चले, मैं नाम नहीं लेता इधर, कोई भी बंदा हो जितना मर्जी जितना मर्जी कर लें, डिक्टेटरशिप तो किसी भी हद तक मुझे हमें पसंद ही नहीं है ना। अगर तो मौलाना फजलुर, मैं कहता हूँ बिलावल लग जाके यार, 5 साल बोले कोई भी आ जाए, डेमोक्रेसी जो है ना वो रियासत की माँ होती है और पालती भी से वही है। आप क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? देयर इज ऑलवेज सम होप, अगर आप उम्मीद ही छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ बाकी नहीं ना रह जाता, और जब उम्मीद का दामन आप हाथ से छोड़ देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे आप, तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात की डिक्टेटरशिप आप देख लें, पाकिस्तान जब से बना है डेमोक्रेसी बेटर देन द डिक्टेटरशिप, ऐसा ही है, कोई एक एक प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अवाम में जब हल्के में वापस आना है, तो उन्होंने जब वापस अगेंस्ट वोट लेने हैं तो उन्होंने कुछ काम करके दिखाना होता है, जवाब दे होते हैं अवाम को, ठीक है। अभी तो ऐसी खिचड़ी बनी है कि हम उस पे इल्जाम लगा देते हैं, वो हम पे इल्जाम लगा देते हैं, हम पूछेंगे किसी से, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं, मैंने बताया ना बिलावल आ गया, 5 साल पूरे करके जाए, वोट में चाहे इमरान, मैं वैसे नवाज शरीफ का सपोर्टर हूं, ये पीडीएम के सपोर्टर हूं, हम साथ कर रहे हैं, लेकिन डाल दे किसको वोट है जो, तो ये भी तो खूबसूरती है ना डेमोक्रेसी है कि दोनों दोस्त हैं, आप नवाज शरीफ की को सपोर्ट करते हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। खैर मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे ये टीचर भी हैं, प्रिंसिपल हैं, और खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के जब तक इंटरनल मैटर्स नहीं बेहतर होंगे, हम कैसे किसी भी इशू पे बात कर सकते हैं और कर भी लेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर सोएब चौधरी जी का जो एक तरीका है, जो एक अंदाज है, वो काफी लाजवाब है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल पूछते हैं और जवाब निकालते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी ज्यादा फेमस हैं। इवन कि इमरान खान भी अपनी रैलियों में एस जयशंकर साहब की वीडियोस चला चुके हैं कि कैसे भारत की जो विदेश नीति है वो पूरे दुनिया में सबसे टॉप पर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। जय हिंद,
जय भारत।